नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। 1 किलो अवैध अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, अफीम व मोटरसाइकिल जब्त। रविवार को सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों के कब्जे से 1 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त कर मोटरसाइकिल सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी 2 आरोपी मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी के नीचे टूल बॉक्स में छिपा कर ले जा रहे थे। अवैध अफीम पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि एएसपी बुगलाल व डीएसपी निम्बाहेड़ा आशीष कुमार के सुपरविजन में सदर निम्बाहेड़ा थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर सदर थाने के उप निरीक्षक आजाद पटेल में जाब्ता द्वारा रविवार को चित्तौड़गढ़ नीमच हाईवे रोड पर वंडर चौराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्लस पर 2 व्यक्ति बैठे हुए आए, जिसे रोका जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई तो पेट्रोल की टंकी के नीचे टूल किट बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में अवैध अफीम भरी हुई मिली, जिसका वजन 1 किलोग्राम हुआ। अवैध अफीम परिवहन करने वाले मोटरसाइकिल सवार पंजाब के तपाला थाना डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर निवासी 45 वर्षीय अवतार सिंह पुत्र कश्मीर सिंह जट सिख एवं तलवंडी गोराया थाना डेरा नानक जिला गुरदासपुर निवासी 30 वर्षीय दीपक मसीह पुत्र मंजीत मसीह ईसाई को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अवैध अफीम की खरीद फरोख्त के संबंध में विस्तृत अनुसंधान जारी है। कार्यवाही करने वाले टीम में उप निरीक्षक आजाद पटेल, ASI सुरेंद्रपाल, कांस्टेबल सुनील कुमार, सूर्यभान सिंह, दिनेश कुमार व सुरेश कुमार मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट।